तो आज के ब्लॉग की जो कहानी है वो कुछ दिन पुरानी है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हर एक ग्रुप के अंदर एक आदमी, एक ऐसा इंसान लाजमी होता है जो कभी ट्रीट नहीं देता, मतलब होता ही होता है मानो या ना मानो। और हमारे ग्रुप के अंदर यानी मेरे मोइज़ और साइम के ग्रुप के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इंसान मैं हूँ। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, काफी अरसे से बहुत सी ऐसी ट्रीट्स थी जो कि पेंडिंग थी और मैंने देनी थी। तो साइम ने एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार की और उसने बोला कि यार ये सब सारी ट्रीट्स हैं जो कि तुम्हें देनी है और किसी भी हाल में देनी है। खैर आपके भाई ने उठाया मौके का फायदा और मारा मौके पर चौका। मैंने बोला कि यार ईद आ रही है, ईद के ऊपर एक गेट टुगेदर करेंगे, एक बारबेक्यू पार्टी करेंगे, सारी की सारी ट्रीट्स उसमें कवर हो जाएंगी। लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो बारबेक्यू पार्टी ईद के ऊपर नहीं हो पाई। और वो क्यों नहीं हो पाई थी उसका रीजन साइम ने बताया था लास्ट वाले ब्लॉग में। आई होप कि आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो यार जाओ देख करो, गो वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम बैक, और फिर आगे चलते हैं। आपको पता है ना हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो कभी भी ट्रेड नहीं देता, और वो अदम तीन ट्रेड बाकी है। मैं सुनाता हूँ, एक गाड़ी की, एक फोन की और एक बर्थडे की। और कल ही हमें फोन की दे रहे थे, वो भी बार भी क्योंकि देनी थी, वो भी कैंसिल करा के साफ बैठे हैं जी, कह रहे हैं बोटियाँ छोटी छोटी अब क्योंकि बारबी की पार्टी ईद के ऊपर नहीं हो पाई थी तो हमने डिसाइड किया कि चलो यार ईद के एक या दो दिन बाद कर लेंगे। तो कल ठीक 3 बजे आए थे साइम और मोइस मेरे घर। तो आप जाएं जरा उनसे मिलकर आए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। इतनी मोहब्बत है बारबेक्यू के लिए, इतना कुछ मंगवा लिया मैंने, तो मैं कहा था चलो चलो तुम अंदर चलो। यार इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं और फाइनली साइम और मोइज़ जो है वो आ चुके हैं। इन्होंने मुझे 2:30 का बोला था लेकिन चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट आ गए। खैर हम लोग अब क्या सीन है, क्या करना है हमने? थोड़ी सी गेमिंग करेंगे, थोड़ी सी पबजी खेलेंगे, थोड़ी सी बैडमिंटन खेलेंगे और फिर तकरीबन शाम को जो है हम बारबेक्यू करेंगे। सो इट विल बी लॉट ऑफ फन मैन। यार मैं जब से यूनिवर्सिटी गया हूं ना तो यूनिवर्सिटी के कामों के अंदर और साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो काफ़ी बिजी हो गया। तो साइम और मोइज़ को मेरे से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है कि यार हमें टाइम नहीं देते हो, और वो कहते हैं कि यार हमने आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, लाइक वर्ड नोट कर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और फाइनली जब आज मीटअप हो गया और मेरे घर आए हैं तो आपको पता उन्होंने क्या किया? यार ये देखो, एक बंदा मेरे घर आके GTA 5 खेल रहा है और एक बंदा मोबाइल के ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा है। यार तुम ना नहीं तुम करने के आए हो मेरे घर, तुम ना नहीं है, तुम बिठा अब आगे हो ना, नहीं ये करने इतनी दूर आए हो मेरे घर तुम। आते ही वो मेरे कमरे के अंदर गए और कमरे में जाके एक बंदे ने PS4 का कंट्रोलर पकड़ा और GTA 5 लगा लिया और अगले बंदे ने अपना मोबाइल खोला और कॉल ऑफ ड्यूटी लगा लिया। और कसम से लिटरली लाइव उनके सामने बैठा हुआ था, मैं उनसे बोल रहा था यार करने क्या आए हो। अब मुझे लगता है कि नहीं शायद इसी को कहते हैं क्वालिटी टाइम। ये बच्चों को ना गेमों वगैरह ने बिल्कुल बिगाड़ दिया, इनको मैनर्स ही नहीं रहे कि किसी के घर आके बैठ दें, बातें वगैरह करते हैं, कोई गपशप ना करते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी वहीं पे रोक दिए लोग, ठीक है इसको कहो ये भी गेम बंद करे, क्या मतलब। खैर फिर ठीक 5:30 के बाद हम लोग गए छत पे और सब जाकर थोड़ा बारबेक्यू वगैरह का सेटअप किया एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। और पता है बारबेक्यू का सबसे मुश्किल काम कौन सा होता है? कोयलों को जलाना। तो आज वक्त ठीक 5:40 बजे और हम आ चुके हैं छत के ऊपर, फुल माहौल वगैरह सेट हो गया है और अब हम करेंगे बारबेक्यू स्टार्ट और लेट्स सी कैसे बनते हैं बारबेक्यू। फिर बाद में पूछेंगे, रिव्यू लूंगा कि कैसे बने। मुझे याद आया आपने लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट देखा होगा, साइम का कमेंट आया था कि मैंने ट्रीट नहीं दिया, तो ये आज का सबूत है ब्लॉग। अब तुम्हें नहीं, तुम ये देखो आफ्टर द जूते खराब कर दिए, कॉल ही आता मेरा भी मान गए अब भाई को दो रहते हैं अभी दो ट्रीट चुप, बस ये सारों की है, कार की ट्रीट सारों की है, कार के मैं बताता हूं सारों की। अच्छा यार मैंने बोला था कि 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर होगा ये जो है बारबेक्यू, लेकिन आपने 500 सब्सक्राइबर्स ही नहीं किए। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल मैन, प्रमोशंस भी करनी होती है साथ साथ ना। जरा चिमटा है, 1 eternity later चिमटा, तुम्हें हर चीज बार बार याद आ रही है, एक दफा लेकर आओ। अल्लाह में है कि हर एक काम के अंदर कोई ना कोई बेहतरी होती है, लेकिन हम इसको समझते नहीं है। वो जब एंड पे प्रूव हो जाता है ना, फिर हमें समझ आता है कि हाँ भाई ठीक था। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि जब से रमजान खत्म हुआ ना, तब से लाहौर के अंदर बहुत ही बुरी किस्म की गर्मी पड़ रही है। यार मैं काफी परेशान था पिछले 2-3 दिन से, जो है लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मैं ये सोच रहा था कि ये भाई साहब ने बारबेक्यू करना और इतनी गर्मी में कैसे होगा, लेकिन आज देखें लामिया की रहमत है कि आज मौसम कम्प्लीटली चेंज है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, हमारे से कोई नहीं चल रहे। Oh, oh, oh.
के बाद हमने कुछ खासा किया नहीं था, सिर्फ थोड़ी बहुत गेमिंग की थी, चाय वगैरह पी थी, एंड या दैट वाज द होल डे. But before ending the vlog, I want to say something. तो यार बात कुछ ऐसी है कि काफी अरसे से मैं बहुत ज्यादा ऑफ हुआ हूँ. ऑफ से मतलब ये कि मुझे अक्सर सैमी कॉल आती थी कि यार बारबेक्यू वगैरह का सीन करते हैं, लेकिन मैं बहुत डल होकर बोलता था कि यार मिलना ही तो है, बारबेक्यू करने की क्या जरूरत है. बट आफ्टर डूइंग दिस एक्चुअली आई रियलाइज कि यार जो मजा प्रोसेस में है ना, जो एक्साइटमेंट प्रोसेस के अंदर है, वो एंड प्रोडक्ट में नहीं है. अब टिक्के तो आप बाहर जाके भी खा सकते हो, लेकिन घर में बनाने का जो प्रोसेस है, इट इज़ द फन इटसेल्फ. और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेडिशन है काइंड ऑफ कि हर ईद के बाद मेजॉरिटी जो लोग हैं वो घर में बारबेक्यू करते हैं, क्योंकि टिक्के खाने के नहीं, लेकिन टिक्के बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसी के सारे पैसे हैं. सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन सम अदर अमेजिंग वीडियो. बट इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हुआ. एंड या अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.